प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आप इस लैक्चर विच कोऑर्डिनेट जमैट्री जाने के निर्देशक अंक जमैती जो साडा चैप्टर है उहदे विचों एमसीक्यू करांगे। निर्देश अंक जमैती, ठीक है बच्चे, जो साडा चैप्टर है दसवीं क्लास विच कोआर्डीनेट ज्योमैट्री निर्देशकां जमैती उस विचों आपां एम सी क्यू हल करांगे। जो बच्चे तुहानू एन टी एस दे एग्जाम लई पैस दे एग्जाम लई जां बोर्ड की प्रीख्या लई काफ़ी सहायक होणगे, क्योंकि बच्चो ऐतकी जो बोर्ड की प्रीख्या होनी है इहदे विच भी साढ़े एक नंबर वाले 16 एम सी क्यू पेपर दे विच आउणे हन। इस करके आपां हुण तों तैयारी करदे हाँ। इस दे नाल साडी बोर्ड दे पेपर दी, जे तुसी एन टी एस सी वास्ते फार्म भरिया है तां तुहाडे एन टी एस वास्ते काफ़ी उपयोगी हैं, जां अपना पैस दा टैसट होना है जां पी एस टी एस सी दा टैसट हुंदा है उहदे वास्ते भी तुहानू काफ़ी इह फायदेमंद रहणगे। तां इस करके बच्चों वीडियो नू पूरी देखिया करो, कई बच्चे वीडियो नू विचाले छड्ड जांदे आ तां इस करके उहनां नू फिर उह फायदा पूरा नहीं हुंदा। हुण बच्चों आपां पहला प्रश्न हल करदे हाँ। पी इज अ पॉइंट, ठीक है, साढ़े कोल कोई पॉइंट है, बिंदु है, कित्थे है बच्चो, एक्स एक्सिस ते, एक्स धुरे ते, साढ़े कोले एक्स धुरे ते पी बिंदु है एट डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, किन्नी दूरी ते, थ्री यूनिट, तीन इकाइयां दूरी ते है, कितों, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्स बच्चो वाई धुरा तो लैफ्ट, लैफ्ट मतलब खब्बे पासे, तां जो बच्चे पंजाबी मीडियम वाले हैं उन्होंने चंगी तरह समझ आ जाएगा। तो बच्चो इस प्रश्न की गया भी साढ़े लोग पी पॉइंट आ जो एक्स धुरे ते है वाई एक्स दे खब्बे पासे तीन इकाइया दूरी ते, तो उस बिंदु के निर्देशकांक की होणगे, तां जिहड़ा पी बिंदु आ उह की होवेगा। देखो बच्चो आपां जे इहनूं ग्राफ नाल समझण की कोशिश करिए तो सानूं बिल्कुल जिहड़ा सही समझ उह आ जाएगा। ये साढ़े कोल बच्चो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, ये इसनूं एक्स धुरा कहने, इसनूं वाई धुरा कहने। इस तरह इधर साढ़े को बिंदु होंगे, इधर साढ़े को बिंदु होंगे, जो पी पॉइंट है वह तीन यूनिट दूरी पर है। देखो कितने यूनिट हो गए बच्चो, एक दो तीन, जाने के पी बिंदु इतने पिया है साढ़े को, ठीक है बच्चो, क्योंकि ये साढ़े को वाई एक्स के खब्बे पासे हैं, इस करके जो कोआर्डिनेट है माइनस के घटाओ के होगी। हुण बच्चे क्यों कि बिंदु है वह एक्स एक्स पिया है, तो एक्स एक्स से वाई की वैल्यू कितनी होंगी है जीरो, तो इस करके साढ़े को जो पी बिंदु बनता है बच्चे वह बनेगा माइनस थ्री जीरो। तो इस करके बच्चे ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही आंसर है। तो बच्चे उम्मीद है तुहानू इस बार समझ आ गया होना है। हुण असी दूसरा प्रश्न हल करते हाँ। द डिस्टेंस, बच्चों बच्चे तुहानू डिस्टेंस पता ही है, दूरी ऑफ पॉइंट बिंदु, असी किसी बिंदु पी दी वाई एक्स तो दूरी दसनी है। आ साढ़े को पी बिंदु है, इस पी बिंदु की वाई एक्स तो दूरी किन्नी होगी। देखो बच्चों जिस ग्राफ में समझ गए तो सानू जो प्रश्न है वह चंगी तरह जो समझ आ जाता है, ठीक है। हम आप वाई एक्स बनाने हाँ, ये साढ़े को वाई एक्स है, ये साढ़े को एक्स एक्स है, यानी कि एक्स धुरा तो वाई धुरा। बच्चों बिंदु कितने पिया है साढ़े को, बिंदु है इतने, एक्स की है प्लस वाला, वाई की है घटाओ वाला। बच्चों किहड़े धुरे च बनेगा, अपने किहड़े क्वाड्रेंट दे विच बनेगा, किहड़ी चौथाई च बनेगा, चौथी चौथाई दे विच बनेगा। तो बच्चों तुहानू पता है सारी, ये साढ़े को पहली चौथाई हुंदी है, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी कि फस्ट क्वाड्रेंट, सैकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ते फोर्थ क्वाड्रेंट। इस दे विच बिंदु हुंदे आ एक्स वाले प्लस वाले ते वाई वाले घटाओ वाले। बच्चों बिंदु की है तीन घटाओ माइनस दो, तो बच्चों असीं आ बनाए एक दो, साढ़े को आ गया घटाओ एक, बिंदु घटाओ दो, ये आ गया एक दो तीन, एक दो तीन। तो बच्चों बिंदु कि बनेगा साढ़े को, बिंदु साढ़े को बनेगा एक्स के सामने तीन, बाई के सामने दो। हम बच्चों आप देखो दसना सी भी यह बाई धुरे तो किन्नी दूर आ, देखो ये साढ़े को बाई धुरा आ गया साढ़े को, ठीक है बच्चे, तो कि दूर आए को, देखो एक इकाई दो इकाई तीन इकाई, तो किन्नी दूरी है दी तीन, तो इस करके ये बिंदु साढ़े को किन्ना है तीन यूनिट बाई एक्सिस तो डिस्टेंस ते है।
बच्चे कई बार ये सवाल गलत कर लेते हैं। ठीक है, हम बच्चों अगे आप तीसरा प्रश्न देखते हाँ। साढ़े को तीसरा प्रश्न है द कोआर्डिनेट। तो बच्चों कोआर्डिनेट तो भाव बच्चों के निर्देश अंक ऑफ टू पॉइंट्स। किसी दो बिंदुओं के निर्देश अंक 6 0 जीरो माइनस 8 हैं। द कोआर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, तो उन्होंने मध्य बिंदु की होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देश अंक बच्चों पता करने हैं। बच्चों सानू मध्य बिंदु सारे पता ही है भी एक्स के बच्चे असं एक्सट्रा जोड़ के दो भाग कर देने हाँ। वाई के बच्चे जो साढ़े को वाई वाला बिंदु है उन्होंने जोड़ के दो भाग कर देने हाँ। 6/2 बच्चों 3 आ जाएगा, यह -8/2 -4 आ जाएगा। यानी कि पॉइंट की बन जाएगा, बिंदु की बन जाएगा 3 -4। इस करके बच्चों ए ऑप्शन बी दे विच है। तो ऑप्शन बी साढ़े इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम बच्चों अपना चौथा प्रश्न देखते हाँ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4 0 एंड 0 एक्स इज 5 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जेकर साढ़े को 4 0 और 0 एक्स बिंदु विचाले जी दूरी है वह 5 इकाइया हो, जाने कि इन्होंने दोनों बिंदुओं विचकार जी दूरी है वह 5 इकाइया है, तो असी एक्स का मुल पता करना है। तो इतने बच्चों असी कि सूत्र की वरतों करनी है, दूरी सूत्र, जाने कि असी डिस्टेंस फार्मूले की वरतों करनी है। बच्चों की करनी है असी दूरी सूत्र की, डिस्टेंस फार्मूले की। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूले की वरतों असी करनी है। तो सू पता की होंगे हो एक्स माइनस एक्स टू यानी कि 4 - 0 का वर्ग बराबर आ जाएगा साढ़े को, जमा 0 - x का वर्ग बराबर आ जाएगा बच्चों 5। ये दूरी है साढ़े का वर्ग, ठीक है, ये साढ़े को आएगा 4, ये साढ़े को आ जाएगा x का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो बच्चों देखो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, जाके उधर घटाओ हो जाना 9 आ जाएगा। तो 9 का बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, +-3, क्योंकि साढ़े को जो डिस्टेंस है दूरी है, तो दूरी हमेशा बच्चों बाद होंगी हैगी प्लस के बच्चे, दूरी कदे भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस करके एक्स का मुल 3 बी ऑप्शन के बच्चे है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम बच्चों आप अगे पांचवा प्रश्न देखते हाँ। साढ़े को पांचवा प्रश्न है द कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन। तो बच्चों थोड़ा जि रखना है, इस स्टेटमेंट थोड़ी गलत है, तुसी इतने 2 कर लेना है, 7 नहीं है 2 है। ठीक है बच्चों, ये 2 है साढ़े को। कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो असी उस पॉइंट के निर्देश अंक पता करने हैं जिहड़ा इस लाइन लाइन मतलब रेखा बच्चों इस रेखा बाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है। जो आ लाइन बाई एक्सिस कटती है तो उस पॉइंट के निर्देश अंक की होंगे। आ रेखा बाई एक्सिस से कटती है, मान लो आप जो डायग्राम बना के समझिए कि चक्कर है कि साढ़े को रेखा भी ये बाई एक्सिस कट रही है, ये साढ़े को रेखा है लाइन है, ये बाई एक्सिस कट रही है, जिहड़े जिहड़े पॉइंट से कट रही है उस पॉइंट के निर्देश अंक की होंगे। तो बच्चों सानू पता है जदों कोई असीं बाई एक्स से बिंदु लैंदे हाँ तो उत्थे एक्स का मुल कितना हुंदा गा 0, सिंपली तुसीं इहदे विच एक्स का मुल 0 कर देना है। तो पहला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 2/y बराबर 2, तो 2y का मुल कितना आ जाएगा बच्चों 2b, यानी कि 2y का मुल साढ़े को 2b आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मुल साढ़े कितना है बच्चों 0 है, तो इस करके बिंदु की बन जाएगा 0 2 b, तो 0 2 b बच्चों ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बच्चे साढ़े को छेवा प्रश्न है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी द कोआर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी एंड ओरिजिन इज। कहना किसी त्रिभुज, ट्रायंगल बच्चों तुहानू सारा नूं पता ही है त्रिभुज नूं कहने हाँ, तो त्रिभुज ओ ए बी का असीं खेत्रफल पता करना है, एरिया मीनस खेत्रफल पता करना है। उसके जो निर्देशक हैं ए बिंदु के आ हैं बी के आ हैं वो ओरिजिन है। तो बच्चों आप जिन्हों डायग्राम ना समझने के सवाल में कोशिश करके तो असी एक तो बच्चों असी इतने जो एरिया वाला फार्मूला है उसकी वरतों करके भी ये प्रश्न कर सकते हाँ। जे आप ग्राफ ना देखिए बच्चों, जो बिंदु ए है साढ़े को
पॉइंट ए है वो है 4 0, तो 1 2 3 4, यानी कि ए पॉइंट ए है 4 0 ते। एक साढ़े को रीजन है, रीजन यानी कि मूल बिंदु है वो साढ़े को ए पॉइंट है वो है। तीसरा बिंदु है बी 0 -7, तो बच्चों 0 -7 यानी कि इधर है 1 2 3 4 5 6, अगे पता अगे 7, तो इतने है ये बिंदु कड़ा है बच्चो बी, तो यह है 0 - 7। बच्चों अपन जेकर इस बिंदु ने मिला दिए ठीक है, तो यह साढ़े को एक त्रिभुज बन गई है। तो बच्चों ये त्रिभुज है ये सू पता 90 का कोण हो गया 90 का, तो यदि लंबाई 4 हो गई, यदि लंबाई कि बच्चो 7, तो यह साढ़े को एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो समकोण त्रिभुज का खेत्र बिंदा बच्चो 1/2 आधार गुणा लंब ठीक है, बच्चों 2 3 7 2 14, तो 14 अंक आ गया 14 units। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बच्चों तुसी इतने जो अपने को एरिया वाला फार्मूला है, खेत्र वाला फार्मूला है, उसकी वरतों करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। बच्चों हम अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो साढ़े को पी पॉइंट से क्यू पॉइंट है, दोनों विचारे बच्चों असी दूरी पता करनी है भी किन्नी दूरी है साढ़े को आ दो बिंदु, इतने की वरतों करा डिस्टेंस फार्मूले की। डिस्टेंस फार्मूले की वरतों करनी है दूरी सूत्र की ठीक है। बच्चों वो की होंगे सी पहले पॉइंट दूजा पॉइंट घटाया यानी कि -11/3 आ घटावे माइनस वाला बच्चों की हो जाएगा प्लस हो जाएगा वो उत्ते स्केयर। अगे बच्चों 22/22 वाला घटाया 5 - 5 वो उत्ते स्केयर जो तुम्हें पता ही है ठीक है। तो यह साढ़े को जो है डिस्टेंस वह आ जाता है डी। बच्चों देखो 11 - 2 कटे -9 - -9/3 का स्केयर, 5 - 5 कटे 0 0 का स्केयर, आ बच्चों आप कट सकते हैं 3 से। तो बच्चों साढ़े कि आ गया है 3 का स्केयर यानी कि 9 9 का वर्ग में बच्चों ऊँ तो प्लस माइनस 3 आएगा क्योंकि असं डिस्टेंस कट रहे हैं दूरी, तो दूरी हमेशा धनात्मक होंगी है प्लस वाली होंगी है, ऋणात्मक नहीं दूरी हो सकती कदे भी। तो इस करके ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चे साढ़े को 8वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 द लाइन। हाँ साढ़े को एक लाइन है इंटरसैक्ट द एक्स एट पी एंड क्यू, ये एक्स जी इतने एक्स तो भाव दोनों धुरिया धुरिया की गल कर रहे बच्चो एक्स एक्स से वाई एक्स की यानी कि दोनों एक्सरे की गल जी की गई है। आ लाइन दोनों एक्सरे पी ए क्यू से कटती है, द कोआर्डीनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो जी पी क्यू लाइन बनेगी वो असी मध्य बिंदु पता करने हैं। तो बच्चो डायग्राम द्वारा आप इस सवाल को समझते हैं कि इस तरह साढ़े को एक्स एक्स से वाई एक्स बने हैं, इन दोनों जी रेखा कटती है ये लाइन है, लाइन कि है X/2 2 / 4 = 1 ठीक है। बच्चों यही लाइन कटती है, मान लो आ बिंदु पी है आ बिंदु साढ़े को क्यू है। देखो जो बिंदु पी है ये एक्स एक्सिस से है, तो इतने वाई की वैल्यू बच्चों की होगी 0, आ जो क्यू बिंदु वाई एक्सिस से है तो इतने एक्स की वैल्यू होगी 0। हुण जो आप बिंदु पी पता करना है, देखो जो आप बी पता करना है तो तुसी इहदे विच वाई का मुल 0 कर देना है, 0 हो गया बच्चों ये कि साढ़े को इधर है 1 ठीक है, 1 नूं इहदे दोनों गुणा कीता एक्स का मुल कि आ गया 2 ठीक है। बच्चों तो एक्स का मुल साढ़े को आ गया है 2 ठीक है। हुण असीं वाई का मुल पता करना है, देखो साढ़े को जो वाई का मुल है जो असीं वाई का मुल पता करना यानी कि बिंदु क्यू का ठीक है, क्यू तो एक्स की मुल 0 है तो ये एक्स का मुल 0 भर देना है, 0 + 2/4 बच्चों कि साढ़े को 1, तो वाई का मुल बच्चों कि आ गया 4। तो इस करके बच्चों जो साढ़े को इस तरह बच्चों जो साढ़े को पी बिंदु है वो कोआर्डिनेट साढ़े को बन गए 2 0, जो साढ़े को क्यू सी बिंदु वो कोआर्डिनेट बन गए साढ़े को 0 ते 4। हुण असीं इन्हां दा की पता करना है, मिड पॉइंट असीं इन्हां दा पता करना सी मध्य बिंदु, तो कहता बच्चों एक्स वाले एक्सा जुड़ के दो ना भाग कर दौ, वाई वाई वाला बिंदु जुड़ के दो ना भाग कर दौ,
2/2, 1/4, 2/2, तो इस करके बच्चों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर आओ इस तरह आ जाएगा। हम बच्चों से अगे नवा प्रश्न देखते हाँ। द कोआर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए, तो हमारे को वर्टेक्स ए या किसी त्रिभुज का ए निर्देशांक एने एने हैं। द पॉइंट डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दस कोआर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर की होंगे। देखो बच्चों सवाल में देखो डायग्राम बन के जरा सवाल अस समझ सकते हैं। ये साढ़े को त्रिभुज है ए बी सी, डी साढ़े को मिड पॉइंट है बी सी का, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये बच्चों साढ़े को इन पर लाइन मिला देने, ये साढ़े को जी है जिसनों अं बोल देंगे सेंट्रॉयड। सेंटर नूं बच्चों असीं सेंटर ऑफ ग्रैविटी केंद्रक भी कह दिंदे हां। तां जिहड़ी ये लाइन हुंदी है वर्टेक्स दे मिड पॉइंट नूं, इहनूं 2 1, ठीक है बच्चों, तां 2:1 दी रेशो विच डिवाइड करदा। जिहड़ा सेंट्रॉयड हुंदा केंद्रक हुंदा गा, आ जिहड़ी साडी मीडियन आ मध्यका नूं 2:1, ये बच्चों की है मध्यका 2:1 दी रेशो विच भाग करदा है। साडे कोल जो ए बिंदू है बच्चों वो है -4:2, जो बिंदू डी डी है वो की है 2:5 है। तां असीं जी दे निर्देशांक पता करने हैं बच्चों। इत्थे साडे कोल सैक्शन फार्मूला हुंदा है उस दी वरतों होनी है, ठीक है बच्चों, सैक्शन फार्मूला, ठीक है, ओहदी वरतों असीं करके ये सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों सैक्शन फार्मूला सानूं पता ही है की हुंदा गा, असीं जे एक्स वाले कोआर्डिनेट पता करने हैं की होंगे वो M2 X1, M1 X2 बटे M1 M2। बच्चे देखो आ सारे को 1 वाले हो गया, 2 वाले हो गए, देखो पहला M2 आ सारे को M1 मान लिया, सी एनू मान लिया M2, तो M2 जाने के 1 1 गुणा X1 कितना है -4। अगे साढ़े को है M1 2 है, X2 2 है, 2 गुणा 2 बटे बच्चों आ किन्ना आ गया साढ़े को, रेशो किन्नी है 2+1। देखो आ साढ़े को बन गया -4, वो बन गया +4/3, 0 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स वाला की है 0। हम ये आप देखते हैं बच्चों 0 कि दो ऑप्शन, देखो एक्स का मतलब 0 आ गया, बी का सी हो नहीं सकते, तो साढ़े को आंसर ज्यादा ए बच्चे है या डी बच्चे है। तो सिमिलरली असीं y का मुल पता करना है बच्चों, y का मुल पता लग ही गया तो y ने गुणा करनी है 2 गुणा 5 10, 1 गुणा 2, ठीक है, उन्होंने आपको प्लस कर देना है बटे साढ़े को आ जाना है 3 2 जमा 1, ये बच्चों कितना हो गया 12 12/3, बच्चों कितना जाएगा 4। तो इस कारण करके साढ़े को जो 4 वाला पॉइंट है, यानी कि 9वें का जो उत्तर है बच्चों वो ऑप्शन ए दे विच है। बच्चे से 10वां प्रश्न देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, आ साढ़े को 2 लाइन दिखाई हैं, इन्हां विचकार असी दूरी पता करनी है, देखो ठीक है बच्चों, जो दूरी पता करनी है इस प्रकार 2 लाइन के देखनी हो सी, तो उन्होंने एक्स वाले जो कोएफिशिएंट है बच्चों इक्को होने चाहिए। तो असं जो 2 साझा ले लें, 2 साझा लिया साढ़े को रह गया एक्स जमा 2 = 0, 2 ने डिवाइड किया बच्चों एक्स जमा 2 = 0, दूसरा साढ़े को है एक्स -5 = 0। तो बच्चों जो दूरी आ जाएगी इन तुम एक्स वाले छड़ देना है, जो कॉन्सटेंट है स्थिर अंक है उन्होंने एक दूजे विचों घटा देना है, -5 प्लस हो गया तो ये साढ़े को आ जाएगा 7। बच्चों 7 इकाइयां 7 यूनिट्स 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो बच्चे तुसी इन्हों ग्राफिकली भी देख सकते हो भी साडा उत्तर सही है गलत है। देखो ये x+2 है, यानी कि ये इत्थे पॉइंट आ गया, आ साडे कोल लाइन बन गई, ठीक है बच्चों x+2 वाली, दूसरा साडे कोल है x-5 वाला, ये लाइन इत्थे बन गई। देखो 1 2 3 4, हुण आपां दोनों दूरी गिण गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इकाइयां दोनों विचकार जिहड़ी दूरी आ उह बन गई है। आपां इस तरह बच्चों इस सवाल नूं देख सकते हाँ। हुण साडे कोल 11वां प्रश्न है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स,
ये सारे तो जो पॉइंट है ना, दोनों प्रकार से दूरी पता करनी है, डिस्टेंस पता करना है आ पॉइंट से आ पॉइंट। बच्चों केरे सूत्र की वरतों करांगे डिस्टेंस फार्मूले की, दूरी सूत्र की। तो बच्चों की होंगे है, पहले भाग के बच्चों असी एक्स वाला एक्स घटा देना है, देखो इतने एक्स की वैल्यू इन्नी है, इतने एक्स की वैल्यू जीरो है, तो स्केयर कर देना है। वाई की वैल्यू इतनी किन्नी है जीरो, वाई टू की वैल्यू किन्नी है 5 cos 55 डिग्री, यह स्केयर हो गया। ठीक है बच्चों, तो असं क्योंकि डिस्टेंस पता करना, ऊपर देखो जाएगा स्केयर रूट, बच्चों आ जाएगा 25 cos 35 डिग्री, आ साढ़े को आ जाएगा 25 cos 55 डिग्री। बच्चों 25 असं कॉमन ले लिया, ये साढ़े को रह गया cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री। तो बच्चों सानू पता है जो cos थीटा होंदा है, इन्हों आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि बच्चों की बन जाए को साइन 90 माइनस 54, बच्चों कि रह जाएगा यह साइन 35 डिग्री, यानी कि आप cos 55 लिख सकते हैं गए साइन स्केयर 35 डिग्री। ਤਾਂ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਕੋਣਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 25 × 1 = 25। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। बच्चे सारे को 12वां प्रश्न है, इफ एज एनी पॉसिबल इंटीजर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि सारे को पॉइंट पी और क्यू दिता, आप क्यू पी है तो ये सारे को बच्चों पॉइंट क्यू होना है, इन क्यू लेने हैं, थोड़ी मिस्टेक है, दोनों विचकार जिहड़ी दूरी है 10 इकाइया है, तो असी ए का मुल पता करना है। बच्चो सिंपल असी डिस्टेंस फार्मूला लाना है, ए दे विचों असी 3 घटाया, यानी कि एक्स दे विचों एक्स वाला पॉइंट घटाया, वाई दे विचों वाई वाला पॉइंट घटाया। ठीक है, 2 + 6 वो सारे को 10 है, इधर अपन 10 10 स्केयर कर लिया है, बच्चों इन खोलिया साढ़े को आ जाएगा ए स्केयर। ठीक है, अगे साढ़े को आ जाएगा ये 6a। ठीक है बच्चों, कि आ गया को 6a, इधर जाएगा 9, ये साढ़े को हो जाएगा 64। बच्चों इधर को आएगा 8 64, इधर आ जाएगा 100। तो बच्चों इधर जाकर अपना माइनस कर देना है, ए स्केयर माइनस 6a, ये बच्चों का 75 हो गया 73, तो 100 बच्चों 73 घटाए साढ़े को आ गया 27। तो यू आप इधर लिख लिया है। हम बच्चों आप फैक्टर बना के सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन गुणा कि आए माइनस 27, जोड़ कि आए माइनस 6। तो बच्चों ये जो फैक्टर हो जाएंगे ए प्लस 3 ए माइनस 9, ये बच्चों ये जो फैक्टर वो साढ़े को बन गए हैं। बच्चों एक ए की मुल कि आ जाएगा माइनस 3, एक ए का कि आ जाएगा 9, तो इस करके बच्चे जो है 9 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12 का उत्तर बच्चों सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर बच्चों जी ए आप छड़ देना है, ठीक है, अगर ये सारे ऑप्शन के बच्चे नहीं है, ये बच्चे ए भी है, ठीक है बच्चों, क्यों छड़ देना है, क्योंकि सानू ए ने कहा पॉजिटिव इंटीजर, जाने के धनात्मक, असी माइनस वाले इस छड़ देना है, धनात्मक आंसर, जाने के इस करके माइनस वाला आंसर हो ही नहीं सकता, धनात्मक जाने के पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, तो इस करके इसका जो 9 आंसर है बच्चों सही उत्तर है। हम बच्चों अगला हमारे को प्रश्न है 13वां, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द पॉइंट, आ सारे कुछ पॉइंट आ इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो फाइंड करना है। बच्चों देखो असी इनू जे आप बनाइए ट्रायंगल इस प्रकार, साढ़े को एक बिंदु है 0 0, एक है 2 0, ए आ गया, एक है 0 2, एक बिंदु आ गया, यानी कि ए साढ़े को ट्रायंगल है। बच्चों 2 0 है,
जन क्या दूरी 2 होगी, ए सारे कोल 0 2 है वाई एक्सिस पे, ए एक्स एक्स पे, ए भी दूरी कितनी होगी 2। हुण असीं आ दूरी पता करनी है, तो बच्चों क्योंकि ए सारे कोल एक समकोण त्रिभुज बन गई, तो इत्थे असीं पाइथागोरस दी थ्योरम ला देनी है। ये आ जाएगा 2 दा स्केयर 2 दा स्केयर, बच्चों 4 4 8, ठीक है। तो 8 दा जिहड़ा स्केयर रूट आ पता करना है, बच्चों 8 दा स्केयर तुहानूं पता ही है 2 वर्गमूल 2 हुंदा है। तो इस तरह बच्चों साढ़े को जो पैरीमीटर आ जाएगा परिमाप, यानी कि परिमाप असी दा पता करना है। इन्ने पंजा वाला जोड़ बच्चों 2 जमा 2 जमा 2 वर्गमूल 2, यानी कि 4 2 वर्गमूल 2, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगे बच्चों आप देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इफ द पॉइंट्स आर कोलीनियर द वैल्यू ऑफ ए की होगी, बच्चों सामने पॉइंट देते हैं कोलीनियर है, यानी कि समरेखी है। कहना जेकर बिंदु समरेखी हो ए की कीमत की होगी, तो सानू बच्चों पता है जो बिंदु समरेखी होंगे है तो जरा एरिया ऑफ त्रिभुज आ त्रिभुज का जो खेत्रफल है किन्ना होंगे है 0 होंगे है, ठीक है बच्चों। तो ये वास्ते आप त्रिभुज के खेत्रफल में 0 कर लेने, देखो किमें कटते हैं आप 1 2 -5 6, ए माइनस 2 2, इस तरह बच्चों असं त्रिभुज का खेत्रफल कटते होंगे सौखे तरीके, ठीक है। तो यू बराबर असं 0 लिखा, क्योंकि समरेखी बिंदु तो खेत्रफल 0, तो पहला एक गुणा कर लेने है ना उपर वाले, 1 6 ना किया 6 -5 -2 ना किया जमा 10 ए 2 ना किया बच्चे 2 ए, जो आप नीचे उपर करते हैं तो घटाओ की निशानी आ जाती है, आ गया -10, तो 1 घटाओ की निशानी हो गई बच्चे कि हो गया +10, 1 6 ना किया -6 ए, 1 2 ना किया -2, लेकिन साढ़े को +2 आ जाएगा। 10 से 10 20 20 से 26 26 2 28, यानी कि 28, 6 से 2 कटिया -4, ठीक है बच्चों। तो इतों ए का मुल कि आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस करके जो 14वां सवाल है इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बच्चों उम्मीद है तुहानू जो अपना चैप्टर किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री ये प्रश्न समझ आ गए हैं, तो यह जो तुम्हें प्रश्न की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, ये तुम्हें NTSC के पेपर पैस के पेपर में बोर्ड के पेपर में काफ़ी सहायक होंगे, तुम्हारे तिने पेपर की तैयारी है और नाल नाल हो रही है। तो बच्चों जेकर तुम्हें वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करा करो, तो अपने दोस्तों मित्रों भी इस वीडियो में जरूर शेयर करो। तुहाडा सब का धन्यवाद।